वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष श्रीमती रजनी सोदे के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथरस में हुई वाल्मीकि परिवार की युक्ति के साथ दरिंदगी को लेकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि हाथरस के थाना चंद्रपद क्षेत्र में घटित वाल्मीकि युक्ति के साथ घटना के मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा और आने वाले चुनाव में सरकार को अपने वोट की ताकत दिखाएगा। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि, सत्यम राही करण वाल्मीकि, मनीष कुमार वाल्मीकि, महिला मोर्चे से महामंत्री संतोष वाल्मीकि, शिमला देवी, सरोज देवी, संतोष देवी, सुमन कुमारी, निशा कुमारी, प्रीति, लक्ष्मी, राधा, रजनी आदि लोग मौजूद थे। जी, आज हम दिनांक 26/9/2020 में वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत के तत्वाधान में भारत देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय मुरादाबाद के माध्यम से दिया गया, जिसमें मुख्य बिंदु जनपद हाथरस के थाना चंदप्पा के अंतर्गत ग्राम भूलगढ़ी के एक वाल्मीकि परिवार की बेटी कुमारी मनीषा के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा बलात्कार के उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के समस्त वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्यक्त है। उक्त संत भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश उत्तर सरकार से ये मांग करता है कि उक्त प्रकरण के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे जघन्य अपराधों को रोका जा सके। जी, आज आपके द्वारा क्या प्रदर्शन है, क्या मांग है? आज वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में, महिला मोर्चा के तत्वाधान में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी विडंबना ये सामने आई है। हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वजीर आला को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, या आग्रह करना चाहता हूँ, या अनुरोध करना चाहता हूँ, या चेतावनी देना चाहता हूँ। जनपद हाथरस में थाना चंदप्पा के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है भूलगेड़ी, वहाँ हमारा एक वाल्मीकि परिवार रहता है। उस वाल्मीकि परिवार की बेटी के साथ जो दुराचार स्वर्ण जाति के लोगों ने किया है, बलात्कार किया है, उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें फांसी से दिया है। यदि ऐसा ना हो सका तो मैं आपके माध्यम से एक कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, अपना कर्मकांड ढोंगने की सरकार तैयार हो जाए। यदि वाल्मीकि समाज के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे तो 2022 का चुनाव नज़दीक है।